मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। आप लोग शाम को वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए आप सभी को गुड इवनिंग। और इस समय मैं हूँ कंपनी गार्डन में, पीछे का व्यू आप देख रहे होंगे इधर साइड में पूरा। तो मैं करीब आया था 9:30-9:30 के करीब कंपनी गार्डन में आया था, लेकिन जो है 15-20 मिनट करीब रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद कंपनी का वर्क आ गया तो काम करने लगा हूँ। मैंने 15-20 मिनट रिकॉर्ड किया हुआ है, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें लग रही थी तो उसको मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड किया। अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि म्यूजियम यहाँ का है और लाइब्रेरी है और मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ की मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। ये सब भी रिकॉर्ड करूँगा किसी नेक्स्ट डे आके, अभी तो काम है, अभी काम करता हूँ। और बाकी आप लोग वीडियो को देखिए लास्ट तक, स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी अच्छा लगेगा आप सभी को। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 3-4 दिन 5 दिन से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी, क्योंकि दो तीन वीडियो मैंने उधर ब्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं थी, बट कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं, मतलब कॉपीराइट क्लेम भी नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया था, उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। और उस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज थे, लगभग 3-4 लाख के करीब जो है व्यूज उससे थे हमारे जो कि चैनल पर। और उसी वीडियो से हमारे जो वॉचिंग टाइम था 2000 क्रॉस कर चुका था। मैंने सोचा था कि अप्रैल लास्ट तक अपने चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाएगा, बट क्या हुआ कि उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया। मुझे लगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं है तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। मैं जानता था कि व्यूज घट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कंफर्म था कि उसकी वॉचिंग टाइम भी चली जाएगी। सो डिलीट करने के बाद जो है वॉचिंग टाइम भी चली गई। ट्रायल आज तक तो उम्मीद नहीं है कि जो है वॉचिंग टाइम हमारी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि वॉचिंग टाइम बहुत ज़्यादा घट गई है, लगभग 134 घंटे हो गई है। लेकिन फिर भी इन 3-4 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि ग्रोथिंग अच्छी हो रही है, करीब 200 घंटे फिर से हो गए हैं। तो आप सबका प्यार बनाए रखिए, आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, जो भी वीडियो आप वॉचिंग करते हैं उस पर आप कुछ भी कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ें करनी चाहिए, कुछ भी नई चीज़ें बतानी चाहिए। बाकी आप लोग का प्यार बहुत अच्छा लगता है, आप लोग देखते हैं वीडियो को, सपोर्ट करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटर आएगी वीडियो अब। और एक प्रॉब्लम और आ गई थी कि उस दिन जब मैंने भारद्वाज पार्क का मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद से मेरी मोबाइल थोड़ी सी हैंग करने लगी। हैंग क्या मतलब कि ख़राब हो गई थी, एक स्क्रीन वर्क ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद 2 दिन लगे मोबाइल को रिपेयर होने में, उसके बाद से फिर वीडियो आप कंटिन्यू होती रहेगी, मतलब पर डे नहीं तो हर दूसरे दिन जो है कुछ ना कुछ वीडियो या कोई ना कोई कंटेंट आते रहेंगे, चाहे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी सिनेमैटिक शॉट की से रिलेटेड हो, या फिर किसी प्रैंक से हो। प्रैंक इसलिए अभी नहीं हो पाता क्योंकि एक प्रैंक आप लोगों ने देखा है बिस्किट वाला, जो कि मुकेश पर हुआ था, बट क्या हुआ कि उसके बाद से वो भी सचेत रहने लगा है। उसके 2-3 प्रैंक हमने उसके ऊपर सोचा था, बट क्या हुआ कि जब भी उसको कॉल करो टाइम पे तो वो कॉल पे नहीं आता। मतलब जितने बजे आप कॉल करो सोचते हैं, मतलब प्लानिंग रहती है कि हाँ इतने बजे आ जाएगा तो ये काम हो जाएगा, बट उस समय नहीं आता तो वो प्लानिंग जो है कैंसिल हो जाती है। और बंदा जल्दी आता भी नहीं है, मतलब उसको पता चल गया ना कि एक बार प्रैंक हो चुका है तो थोड़ा सा वो भी रहता है कि हाँ कॉल करेंगे तो तुरंत नहीं, बाद में आता है। तो नेक्स्ट प्रयास करते रहेंगे प्रैंक के लिए भी, बाकी जो है ब्लॉगिंग भी अच्छी अच्छी आती रहेंगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, चलिए इस वीडियो को देखिए। अभी इसकी और भी क्लिप किसी और दिन आएंगे, जरूर रिकॉर्ड करके डालेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ लेते हैं विदा, बाय बाय टाटा। ये भाई साहब को साइकिलिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है, बोल दिया जाए किलोमीटर जाइए साइकिल से गेहूं उठा लाइए तो नहीं लाएंगे। छोटी हाथी
बड़ी हाथी, सबसे छोटी हाथी। पीछे देख रहे होंगे आप लोग कि चंद्रशेखर आजाद की जो मूर्ति है यहाँ पे बनी हुई है, तो इनके बारे में आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ये अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पे कुछ प्लान बना रहे थे लेकिन उसी समय जो है अंग्रेज के पुलिस वालों को पता चल गया तो घेराबंदी कर लिया, और ये उस समय काफ़ी घायल थे। लगभग जो है 20 मिनट इन्होंने जो है पुलिस वालों को फायरिंग की और पुलिस वाले भी इनके ऊपर फायरिंग की। इन्होंने अपने दोस्तों को उस समय जो है मतलब अकेले लड़के दोस्तों को तो वहां से निकाल दिया, लेकिन अकेले थे तो इन्होंने लास्ट में जब देखा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अंग्रेज़ों के द्वारा ये मारे जाएंगे या फिर फांसी लटकाई जाएगी कुछ भी, तो इन्होंने अपना नारा वो जो मतलब इन्होंने अपना नारा जो याद किया कि आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे, तो उसी समय जो है इनके पिस्तौल में एक गोली बची हुई थी, तो इन्होंने मतलब इनके जो है बंदूक में एक गोली बची हुई थी तो इन्होंने अपने जो है उस गोली को लगा मतलब कि अपने सर पे यहाँ पे एक गोली अपने उतार लिया। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कब जो है ये जैसे देख रहे होंगे आप सभी लोग कि यहाँ पे लिखा गया है 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इनकी मूर्ति बनी हुई है। तो इनके बारे में मैंने छोटी सी हिस्ट्री आप सभी को बताई है, तो इनके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके बारे में, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप इनके बारे में पर्सनली पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आज़ाद पार्क के बारे में भी वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।